देश में शिक्षा के अधिकार का कानून बना, लेकिन उस कानून में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है इस पर ज्यादा जोर था। उसमें एक उल्लेख था कि लर्निंग आउटकम्स की शिक्षा से छात्र की प्राप्ति क्या हुई है, लेकिन उसको कभी परिभाषित नहीं किया था। हमने पिछले 2 साल में बहुत मेहनत से सबके साथ काम करके यह लर्निंग आउटकम्स तैयार किए हैं। ये क्या है लर्निंग आउटकम्स? भाई, पहली के छात्र को भाषा का क्या ज्ञान होना चाहिए, गणित का क्या ज्ञान होना चाहिए, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में, सातवीं में, आठवीं में, हर वर्ष के हर विषय का एक वर्ष में छात्र को क्या आना चाहिए, ये निश्चित करने का काम ये लर्निंग आउटकम्स में होता है। तो ये पहली दफा तैयार हुआ है, सबके सलाह से तैयार हुआ है। इतना निश्चित आना चाहिए, यानी फिर क्या होगा, जो अभी सर्वे के बाद सर्वे होते हैं, छठी का छात्र तीसरी का पाठ नहीं पढ़ सकता, सातवीं का छात्र चौथी का गणित नहीं कर सकता, ये संकट खत्म होगा। हर वर्ष में क्या आना चाहिए ये सबको बताएंगे। ये टीचर्स को एक हैंडबुक दे रहे अपनी अपनी भाषा में, वो देखेंगे इस हैंडबुक को कि क्या उनसे अपेक्षा है कि छात्र को क्या आना चाहिए। ये जिम्मेवारी पेरेंट्स को भी करनी होगी। हम पेरेंट्स को भी सभी राज्य सरकारों को कहा है कि आप अभिभावकों को भी एक पैम्पलेट दे दो कि भाई आपका बेटा तीसरी में है, बेटी चौथी में है, तो इसके लिए उनको क्या आना चाहिए, भाषा का, विज्ञान का, गणित का, समाज विज्ञान का, हर विषय का क्या आना चाहिए। ये एक बार ध्येय निश्चित हो गया वर्ष का, तो ये जिम्मेवारी शिक्षकों की भी बनेगी, विद्यालयों की भी बनेगी, पेरेंट्स की भी बनेगी और छात्रों की भी बनेगी। सबकी जवाबदेही तय हो, इसीलिए ये लर्निंग आउटकम्स किए हैं। हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हमारे हमेशा ही शिक्षक रहे हैं, और इसलिए इस गुरु पूर्णिमा पर मैंने देश के सभी वाइस चांसलर्स को बुलाया था और देश के 1 करोड़ शिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापकों को मैंने प्रणाम किया था, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान ज्ञान न होवे। और इसलिए अपने संस्कृति में गुरु का महत्व बहुत है, शिक्षक ही छात्र को तैयार करता है, तो शिक्षक ये जिम्मेवारी समझेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। ये लर्निंग आउटकम्स हर वर्ष में जितना छात्र को आना चाहिए या आने की जिम्मेवारी मूलतः शिक्षक की है, अभिभावकों की है। अभिभावकों को भी देखना चाहिए कि 1 घंटा 2 घंटा छात्र बैठकर घर में अध्ययन कर रहा है कि नहीं, उसको अध्ययन का माहौल तैयार करके देना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा भारत। और इसलिए ये लर्निंग आउटकम्स पर आप सब लोग मन से काम करिए, और मुझे पूरा विश्वास है शिक्षा की गुणवत्ता बदलेगा। मैं जिला परिषद के स्कूल में पढ़ा था, मेरे स्कूल का नाम था जीवन शिक्षण मंदिर, कितना सार्थक नाम था, और सबके साथ सीखने में ही मजा आती है। तो ये सभी जिला परिषद स्कूलों का भी क्वालिटी, दर्जा में, गुणवत्ता में सुधार हो, यह हमने प्रण लिया है। आप सबकी मेहनत के साथ, आपके साथ काम करके इसको हम साकार करेंगे, और देश के गरीब की जो आकांक्षा है कि मेरे बेटे बेटी को अच्छी शिक्षा मिले, वो हम देंगे। इसीलिए ये लर्निंग आउटकम एक बहुत बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि शिक्षा की प्राप्ति क्या हो, छात्र को क्या नया आना चाहिए, लर्निंग आउटकम, आउटकम बेस्ड रिजल्ट्स आने चाहिए, और वही ये प्रयास है। सब साथ देंगे, मुझे पूरा विश्वास है।